हेलो एवरीवन। चलिए हम जिस टॉपिक को हम की शुरुआत आज हम करने वाले हैं, वो टॉपिक का नाम है एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। अब तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सब एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम एंड अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में अब हमें क्या याद रखना है, देखिए, अलग अलग कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए प्लांट एडेप्टेशंस करता है, प्लांट खुद में कुछ कुछ चेंजेस करता है। और इन चेंजेस में खास चीज़ क्या है, ये चेंजेस थोड़ा एक्चुअल जो फंक्शंस होते हैं प्लांट ऑर्गन्स के, उनको उनसे थोड़ा वेरी करने लगते हैं। तो कई ऑर्गन्स ऐसे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कैरी आउट करने लगते हैं, और उन्हीं चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशंस। अब स्टेम में कुछ एरियल मॉडिफिकेशन है जो हमको पढ़ने हैं, जैसे कि सबसे पहला मॉडिफिकेशन है फाइलोक्लेड, और इसके बारे में सबने सुना भी होगा। देखिए मैं बताता हूँ क्यों सुना है हमने। चलिए, तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन है फाइलोक्लेड होता है। फाइलोक्लेड मॉडिफिकेशन में खास चीज क्या है वो देखते हैं जरा। फाइलोक्लेड हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ओपुनशिया में, कैक्टस में ऑब्जर्व कर सकते हैं। किस में ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैक्टस में। तो एक बार मैं यहाँ पे कैक्टस का एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। इसमें फाइलोक्लेड किस पोर्शन को हम बोलने वाले हैं, देखिए। चलिए मानिए अगर ये कैक्टस है, तो कैक्टस में आपने ऑब्जर्व किया है यहाँ पे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। क्या चीज प्रेजेंट होती है, यहाँ पे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए इस टाइप से कुछ स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, और जो पोर्शन आप उसमें ग्रीन ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर देखते हैं, ग्रीन पोर्शन देखते हैं, वो ग्रीन पोर्शन लीफ नहीं होती है, वो क्या होता है, इसका एरियल मॉडिफाइड स्टेम होती है। ओके, जिसको हम क्या नाम दे रहे थे अभी, फाइलोक्लेड बोल रहे थे। ओके, तो ये जो पोर्शन आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस ग्रीन पोर्शन को, इस ग्रीन स्टेम वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड। और ये लीफ नहीं है, ये फोटोसिंथेटिक एरियल मॉडिफिकेशन है किसका, स्टेम का। क्या बोलेंगे इसको, फाइलोक्लेड। ओके, अब देखिए जरा, जो फाइलोक्लेड वाला पोर्शन है, इसके अलावा हमें यहां पे ये पॉइंटेड जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इन पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं स्पाइंस। क्या बोलते हैं इनको हम, स्पाइंस। और स्पाइंस के बारे में हमको क्या याद रखना है, स्पाइंस जो है दीज आर एक्चुअली लीव्स। क्या है ये, लीव्स होते हैं ये। ओके, और फाइलोक्लेड क्या होता है, तो फाइलोक्लेड इज मॉडिफाइड स्टेम। ओके, तो फाइलोक्लेड क्या हो गया, फाइलोक्लेड हो गया मॉडिफाइड स्टेम। और जो इस पे आपको पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जिनको हमने बोला है स्पाइंस, दीज आर लीव्स। अब हमें एक चीज याद रखनी है कि जो जो लीव्स होते हैं, लीव्स यहां पे पॉइंटेड क्यों है। ओके, तो लीव्स पॉइंटेड होने के पीछे रीजन क्या है, अगर लीव्स पॉइंटेड होंगे तो ट्रांसपायरेशनल लॉसेस क्या होंगे, कम होंगे। क्यों, क्योंकि अगर लीव पॉइंटेड है तो उनका सरफेस एरिया कैसा हो जाएगा, कम। तो मैं लिख देता हूं क्या हो जाएगा, लीव्स अगर पॉइंटेड हैं तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सरफेस एरिया, मैं एक बार इसको फिर से लिख देता हूं, सरफेस एरिया सरफेस एरिया अगर कम हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, इससे स्टोमेटा का अमाउंट कम होगा, नंबर ऑफ स्टोमेटा कम हो जाएंगे। और नंबर ऑफ स्टोमेटा अगर कम हो जाएंगे तो अल्टीमेटली ट्रांसपिरेशनल लॉस या लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ट्रांसपिरेशनल लॉस भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो इतना सा हमको याद रखना है कि, या क्या याद रखना है, फाइलोक्लेड्स जो होते हैं, फाइलोक्लेड्स आर मॉडिफाइड स्टेम। देखिए जरा क्या चीज बोल रहा हूं मैं, फाइलोक्लेड क्या होते हैं, दीज आर मॉडिफाइड स्टेम्स।
स्पाइंस, स्पाइंस आर दिस पॉइंटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन फाइलोक्लेड, और इनका फंक्शन क्या होता है, ये सरफेस एरिया को थोड़ा कम करते हैं, और सरफेस एरिया कम होने की वजह से जो लॉस ऑफ वाटर होता है, जो ट्रांसपायरेशन होता है, वो भी कम हो जाता है। तो ट्रांसपायरेशन लॉसेस को कम करने के लिए जो कैक्टस जैसे स्ट्रक्चर्स हैं या कैक्टस जैसे प्लांट्स हैं जो कि जेरोफाइटिक होते हैं, इनमें क्या चीज़ मिलेगी हमको, इनमें हमको लीव्स का सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं मिलेगा, और लीव्स कैसे होंगे, पॉइंटेड होंगे, इससे ट्रांसपायरेशन लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जो फाइलोक्लेड है ये ग्रीन कलर के होते हैं, दीज आर मॉडिफाइड स्टेम, और कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, और चूंकि ये ग्रीन है तो ये क्या कैरी आउट कर सकते हैं, बिल्कुल सही, फोटोसिंथेसिस। तो ये एक मॉडिफिकेशन हो गया, क्योंकि हम सबको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो मेनली किसका काम है, तो वो लीफ का काम होती है, पर कैक्टस जैसे प्लांट्स में जो कि जेरोफाइटिक प्लांट है, उनमें फोटोसिंथेसिस कौन कैरी आउट कर रहा है, उनमें फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर रही है ग्रीन मॉडिफाइड स्टेम, विच इज कॉल्ड एज फाइलोक्लेड। एग्जाम्पल्स जो हमको याद रखने पड़ेंगे, तो एग्जाम्पल्स क्या रहने वाले हैं फाइलोक्लेड के, तो एग्जाम्पल नोट डाउन कर देते हैं, इसका एग्जाम्पल रहेगा सबसे पहले तो ओपुंशिया, कैक्टस लिख सकते हैं, ओपुंशिया कैक्टस, ओके। तो हमको याद रखना पड़ेगा, जेरोफाइटिक प्लांट्स जो हैं उनमें एक एरियल मॉडिफिकेशन मिलता है, उस मॉडिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं फाइलोक्लेड। चलिए तो सेकंड मॉडिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जो सेकंड मॉडिफिकेशन हमें डिस्कस करना है वो है क्लेडोड। क्या चीज, क्लेडोड। अब क्लेडोड में क्या खासियत है वो याद रखिए, यहाँ पे जो मेन स्टेम है, इस मेन स्टेम से मैं ड्रॉ करता हूँ एक बार मेन स्टेम को, देखिए जो मेन स्टेम रहेगी उसका एक पोर्शन, मेन स्टेम का पोर्शन लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। काय में कन्वर्ट हो जाएगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, ऐसा कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको दिखाई देने लगेंगे, और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखेंगे ये एक्चुअली में लीफ नहीं होगी। इसके ऊपर हमको एक नोड दिखाई देगी, क्या चीज दिखाई देगी, इसके ऊपर हमको एक नोड दिखाई देगी, ऐसा नोड। कैसे पहचानना है कि वहां पर नोड प्रेजेंट है, तो हमको ये चीज याद रखनी है कि जो नोड वाला रीजन है वहां से एक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक लीफी स्ट्रक्चर, स्मॉल लीफी स्ट्रक्चर वहां से ओरिजिनेट हो जाएगा। ये जो स्मॉल लीफी स्ट्रक्चर यहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है, ये स्मॉल लीफी स्ट्रक्चर एक्चुअली में लीफ है, क्या चीज है, ये लीफ है। और जो लार्ज स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर एक्चुअली में लीफ नहीं है, ये क्या है, दिस इज अ स्टेम, ये क्या होता है, दिस इज अ स्टेम। और याद रखिए ये जो मॉडिफाइड फोटोसिंथेटिक ग्रीन स्टेम है, इसी को हम बोलते हैं क्या, क्लेडोड, ओके। तो क्लेडोड जो है वो एक लार्ज ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो एक्चुअली में लीफ नहीं है, क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम। इस लार्ज लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्लेडोड के ऊपर आपको नोड मिलेगी, और नोड से अराइज होगा एक स्मॉल लीफलेट जिसको हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं, लीफ, वो ट्रू लीफ है इसकी, इस प्लांट की, ओके। तो ऐसा ग्रीन स्ट्रक्चर किसके केस में मिलेगा, तो एग्जांपल हमको याद रखना पड़ेगा, इसका एग्जांपल होता है एस्पेरेगस। क्या नाम है एग्जांपल का, एस्पेरेगस। एस्पेरेगस तो हमको ये एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, तो एग्जांपल क्या है, एस्पेरेगस। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पे, तो जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन हमको पढ़ना है वो मॉडिफिकेशन है थॉर्न्स। क्या चीज, थॉर्न्स के बारे में पढ़ना है, तो आते हैं अपने थर्ड मॉडिफिकेशन पे। देखिए थर्ड मॉडिफिकेशन है थॉर्न्स। थॉर्न्स आप सबने थॉर्न्स के बारे में पढ़ा है, थॉर्न्स के बारे में सुना हुआ है, थॉर्न्स आप सबने देखे भी हैं और आप सबको चुभे भी होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली प्लांट के आसपास रहते हैं। रोज की अगर हम करें तो रोज में आपने थॉर्न्स ऑब्जर्व किए होंगे, और भी कई सारे प्लांट्स हैं जिनमें आपने थॉर्न्स ऑब्जर्व किए हैं। तो थॉर्न्स भी जो है दीज आर ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ओके, या फिर बोल सकते हैं स्टेम। तो स्टेम का एक मॉडिफिकेशन है थॉर्न। थॉर्न जो होता है मोस्टली इसका फंक्शन क्या है, तो इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, डिफेंस। किस चीज के लिए है ये, डिफेंस के लिए है, ये प्रोटेक्शन के लिए है, प्लांट को कई सारे ब्राउजिंग और ग्रेजिंग एनिमल से बचाने के लिए प्लांट्स में आपको क्या मिल जाएंगे, थॉर्न्स मिल जाएंगे, ओके। तो हमको ये याद रखना है, जैसे कि आप बात करें अगर रोज की बात करते हैं, तो रोज में आपको क्या मिल जाएंगे, थॉर्न्स मिल जाएंगे। रोज के अलावा आपको सिट्रस प्लांट्स, आपने नींबू सुना है, नींबू होगा, मौसमी आपने सुना हुआ है, ऑरेंजेस आपने सुने हुए हैं ना,
है ना। तो अब इन सब के पास में आपको क्या मिल जाएगा, थॉर्न्स मिल जाते हैं, सिट्रस हो गया। उसके अलावा एक और प्लांट है बोगनवेलिया, आपने सुना होगा बोगनवेलिया के फ्लावर्स बहुत सुंदर होते हैं, बोगनवेलिया सुना होगा। बोगनवेलिया तो रोज होता है, सिट्रस है, बोगनवेलिया है, ये कुछ प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स में आप लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसमें थॉर्न्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। थॉर्न्स का मेन फंक्शन क्या होता है, तो प्रोटेक्शन, डिफेंस, है ना। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम ग्रेजिंग या फिर ब्राउजिंग एनिमल्स से। ओके चलिए, अब नेक्स्ट मॉडिफिकेशन और जो लास्ट मॉडिफिकेशन है वो है टेंड्रिल्स। क्या चीज, टेंड्रिल्स। तो फोर्थ मॉडिफिकेशन है हमारे पास टेंड्रिल्स, ये भी एक एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है। आपको बहुत ज्यादा एग्जांपल्स और बहुत ज्यादा चीजें में याद नहीं रखने, गिने चुने चार मॉडिफिकेशन है। देखिए तो लास्ट मॉडिफिकेशन का नाम है टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स आपको कहां पर मिलेंगे, देखिए क्लाइंबर्स, आपने नोटिस किया है कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स अपने दम पे प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकते। बेल आपने सुना होगा, वाइन्स सुने, वाइन्स बेल है, जैसे कि ग्रेप वाइन्स। तो ग्रेप वाइन्स जो होती हैं, जो बेल होती है, उस बेल में कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इरेक्ट स्टैंड हो जाए, तो वो उसको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और सपोर्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो लोग क्या चीज़ डेवलप करते हैं, वो एक एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन डेवलप करते हैं, जिस मॉडिफिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स। तो देखिए अगर ये मेन स्टेम है, देखिए यहां पे ये मेन स्टेम है, ये मेन स्टेम बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है, इस वजह से ये इरेक्ट स्टैंड नहीं कर सकती। तो उसके लिए क्या होता है, यहां से कुछ नोड से कुछ ऐसे स्पाइरली क्वेल्ड स्ट्रक्चर्स डेवलप करना स्टार्ट कर जाते हैं। ये स्पाइरली क्वेल्ड स्ट्रक्चर नोड से डेवलप कर रहे हैं, कहां से डेवलप कर रहे हैं, स्पाइरली क्वेल्ड स्ट्रक्चर्स नोड से डेवलप कर रहे हैं। और ये स्ट्रक्चर क्या करेंगे, आसपास के कोई भी सॉलिड जो सपोर्ट है, कोई भी अगर सॉलिड सपोर्ट मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ग्रिल है यहाँ पे, एक ग्रिल अगर प्रेजेंट है, तो इस ग्रिल के आसपास ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या चीज, टेंड्रिल्स होते हैं, ये क्या करेंगे, ये बाइंड अप हो जाएंगे। और बाइंड अप होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो वेन्स होती हैं ये ऊपर ऊपर क्लाइंब करती हुई चली जाएंगे, समझ गए। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस स्पाइरल स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज टेंड्रिल्स। कई सारे प्लांट में आपने ये चीजें देखी होंगी, ऐसे टेंडर्स देखे हैं। कुछ एग्जांपल्स जो हमको याद रखनी है वो है, एक तो विटिस, विटिस वेनिफेरा, मतलब क्या होता है, इट इज ग्रेप वाइन। तो एक एग्जांपल हम याद रखेंगे विटिस, एक और एग्जांपल का नाम है पैसीफ्लोरा, जो हमको याद रखना है। पैसीफ्लोरा, विटिस, और इसके अलावा भी कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं, या आप जहां पर आपने टेंडर्स को ऑब्जर्व किया होगा। तो ये कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि कौन कौन से, जैसे कि सबसे पहले हमने देखा था फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड जो है उसके एग्जांपल हमने पढ़ा ओपुंशिया कैक्टस। ओपुंशिया जो है ये एक एरिड रीजन में ग्रो करने वाला प्लांट है। इस प्लांट में ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम मिलेगी, और उस ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइलोक्लेड बोलेंगे। सेकेंड मॉडिफिकेशन जो हमने देखा वो था क्लेडोड। क्लेडोड क्या होता है, क्लेडोड वो स्मॉल स्मॉल लीफ, क्लेडोड जो होता है ये कुछ स्टेम के मॉडिफिकेशन है जो कि लीफ लाइक दिखाई देते हैं। इनके ऊपर नोड प्रेजेंट होता है, नोड से एक्चुअल लीफ अराइज होते हैं। नोड से क्या अराइज होता है, नोड से एक्चुअल लीफ अराइज होते हैं। ओके और जो ये लार्ज स्टेम है विच इज लुकिंग लाइक लीफ इज कॉल्ड एज क्लेडोड। एग्जाम्पल क्या याद रखना है इसका, एस्फेरेगस। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है थॉर्न्स। थॉर्न्स का आप पता होगा आपको, डिफेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। कई सारे एनिमल्स प्लांट्स को हार्म कर लेते हैं बाय ईटिंग देम, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्लांट को नुकसान पहुंच जाता है। तो कई सारे प्लांट्स में को एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप हुआ है, एडेप्टेशंस हुए हैं, और वो एडेप्टेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, थॉर्न्स। थॉर्न्स जो हैं किस किस में मिल जाएंगे, रोज में, सिट्रस में, बोगनविलिया, ये कुछ कॉमन प्लांट्स जिनमें ये सब कुछ ये थॉर्न्स मिल जाते हैं, प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। जो लास्ट मॉडिफिकेशन था वो है टेंडल्स। टेंडल्स में हमको क्या याद रखना है, ये स्टेम के नोट से डेवलप हुए कुछ स्पायरल स्ट्रक्चर्स हैं, जो स्पाइरल स्ट्रक्चर्स किसी भी एक रिजिड सपोर्ट के अराउंड अपने आप को क्या करते हैं, लपेट लेते हैं। इसकी वजह से जो सॉफ्ट और डेलिकेट स्टेम है उसको क्लाइंब करने में हेल्प मिल जाती है। और इन जो स्पाइरली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंड्रल्स बोलते हैं। और ये है क्या, ये सब कुछ है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, एरियल मॉडिफिकेशन स्टेम। एग्जाम्पल्स में क्या याद रखेंगे, तो एग्जाम्पल्स में याद रखेंगे एक तो विटिस वेनिफेरा और एक पैसीफ्लोरा।
सर।